नीलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र का आज गुरुवार यानी 1 अगस्त को पांचवा दिन है। विपक्ष के विधायकों ने आज भी सदन में जोरदार हंगामा और नारेबाजी की। सभी विपक्षी विधायकों के तेवर काफी गर्म दिखे। वे लगातार अपने विभिन्न मुद्दों पर सरकार से जवाब मांग रहे हैं। सदन के बाहर और अंदर विपक्षी विधायकों ने आज भी जोरदार हंगामा किया। इस दौरान स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने कार्य संचालन के नियमों का हवाला देते हुए विपक्ष के कुल 18 विधायकों को सदन की कार्यवाही से शुक्रवार की दोपहर 2 बजे तक के निलंबित कर दिया। आपको बता दें कि इस सत्र में विपक्षी विधायकों के तेवर गर्म नजर आ रहे हैं। उनकी आज भी सरकार को घेरने की तैयारी है। बता दें कि बीते दिन सदन की कार्यवाही के दौरान विपक्ष के विधायकों ने सरकार के वायदों को याद दिलाते हुए उनसे कई विभिन्न मुद्दों पर जवाब मांगे थे। आपको बता दें कि बीते दिन सदन की कार्यवाही के दौरान विपक्ष के विधायकों ने सरकार के वायदों को याद दिलाते हुए उनसे कई विभिन्न मुद्दों पर जवाब मांगे थे। हालांकि सरकार की तरफ से ये कहा गया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सत्र के अंत में सभी मुद्दों पर अपना जवाब देंगे, लेकिन विपक्ष के विधायकों ने इसे मानने से इनकार कर दिया और सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद वे सदन में ही बैठकर प्रदर्शन करते रहे और अपनी मांगों पर अड़े रहे। इस दौरान प्रदर्शन में बैठे सभी विधायकों को एक एक करके मार्शल आउट किया गया, जिसके बाद विधायकों ने रात भर सदन के लॉबी में धरना दिया। सदन में धरना देने वाले 18 विधायकों को स्पीकर ने निलंबित किया। तो वहीं आज मानसून सत्र के पांचवें दिन यानी 1 अगस्त को सदन की कार्यवाही के शुरू होने पर जेएमएम के विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने व्यवस्था के तहत कहा कि बीजेपी विधायकों द्वारा सदन को हाईजैक करने की कोशिश की गई है, सदन को बंधक बनाने की कोशिश की गई है। धरना प्रदर्शन करने वाले सभी विधायकों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। इस दौरान विधायक ने बीते दिन सदन की कार्रवाई स्थगन के बाद धरना प्रदर्शन में शामिल होने वाले विपक्ष के सभी विधायक के नाम पढ़े। इसके बाद सदन की कार्रवाई शुरू होने के बाद स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने संविधान और कार्य संचालन के नियमों का हवाला देते हुए धरना में बैठे 18 विपक्ष के विधायकों को सभा की कार्रवाई से निलंबित कर दिया। आपको बता दें कि स्पीकर ने सभी 18 विपक्षी विधायकों को शुक्रवार के दोपहर 2 बजे तक के लिए स्पीकर ने सस्पेंड किया है। नीलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।